हेलो दोस्तों, ये राज वर्सेस की तरफ से जो है ये स्वच्छ अभियान जो है चलाया जा रहा है, जो कि एक घंटे का है, सिर्फ मात्र एक घंटे का। तो सबसे पहले जो है मैं चोपड़ा जी का जो है दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उनका जो मैनेजमेंट है वो सारा, उन्होंने जो है ना बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है जो कि सिर्फ एक घंटे की है। और इस एक घंटे में ये आप यकीन नहीं माने कि फैक्ट्री की जितनी भी लेबर हैं, मैनेजमेंट है, स्टाफ हैं, सभी इसमें जो है हिस्सा ले रहे हैं और सभी मिलके सफाई कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो है फैक्ट्री से निकल गए हैं, तो कट्टे और बोरे जो हैं पकड़ लिए हैं हम लोग ने, और जहाँ जहाँ कचड़ा दिखेगा मोटा मोटा उठा लेंगे। अब पूरा तो नहीं साफ़ कर सकते, लेकिन अब यकीन नहीं मानिए इससे काफ़ी जो है सफाई हो जाएगी। बहुत अच्छी स्कीम निकाली है मैनेजमेंट ने। अब ये देखिए, दो बंदे जो हैं वो कट्टा पकड़े हैं। अब इसमें जो है जो मोटा मोटा मास्क है, पन्नी है, अब ये सब जो है रखते जाएंगे, काफ़ी कचरा जो है हल्का हो जाएगा। देखिए दो बंदे जो है लेके जा रहे हैं, अब वो उठा रहे हैं कचरा। गंदगी जितनी भी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा बीमारी फैलेगी। अब ये देखिए इस प्लाट में कितनी गंदगी है, कितना लोगों ने आसपास में जो है कचरा डाल दिया है। कचरा भी हम ही लोग डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ भी अगर खाली प्लाट में आप लोग कचरा डालते हैं तो कचरा मत डालें, क्योंकि अब किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि ये जो है कचरा जो है रोड का उठाए, और कौन उठाएगा। लेकिन हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि गंदगी कम से कम फैलाएं, ताकि जो है गंदगी अगर कम रहेगी तो जो तरह तरह के नए नए वायरल बुखार हैं, बीमारियां हैं, जो खासकर ज़्यादातर बच्चों को पहले पकड़ती है, बड़े भी चपेट में आ जाते हैं इसमें, तो वो बीमारियां कम फैलें। तो ये अभियान चलाने का, ये स्वच्छ अभियान चलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोग जागरूक हो जाए, या हम लोग गंदगी इधर उधर ना डालें। जो कचरा है वो कचरा जो है ना डस्टबिन में डालें, या कूड़े वाली गाड़ी आती है उसमें डाले, लेकिन इधर उधर मत फेंके। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी ज़रूर है, जो इतनी बीमारियां जो है इस समाज में जो है फैली हैं, पहले इतनी नहीं होती थी। हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि गंदगी कम से कम फैलाएं और गंदगी ना होने दें। अपने जो आसपास के जो इलाके हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, अगर किसी परिवार के एक सदस्य में एक भी बंदा अगर, या बेटा या बेटी या कोई भी अगर बीमार हो जाता है, और अब वो बंदा बेचारा जो है 8-10 हज़ार रुपये कमाता है, तो आप ये सोचिए कि आप कि अगर एक महीने में अगर उसका 5-6 हज़ार रुपये भी अगर जो है खर्चा हो गया दवा इलाज में, तो बचेंगे 4-5 हज़ार रुपये में, वो घर का कैसे चलाएगा खर्चा। तो जाहिर सी बात है उसे कर्जा लेना पड़ेगा। अगर वो कर्जा लेता है तो फिर वो जो है एक दो महीने के लिए परेशान हो जाएगा, और एक दो महीना काफ़ी दिक्कतें रहेंगी परिवार में। तो दोस्तों, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास के एरिया में जहां आप रहते हो, बस कचरा जो है कम से कम फैलाए, कम से कम जो है गंदगी होए। तो अब काफ़ी देर हो गई है हम लोगों को फैक्ट्री से निकले हुए, तो अब फैक्ट्री की तरफ मुड़ते हैं और कचरा देखते जाएंगे। देखिए एक पैंट ये जो है ना पड़ी थी और थोड़ा बहुत कचरा था, अब ये इन्होंने उठा लिया, उठा के अब जो है फिर चल रहे हैं आगे। इसी तरह से थोड़ा जहाँ जहाँ भी थोड़ा थोड़ा कचरा दिखा या ज़्यादा दिखा तो उठाते चलेंगे। अब देखिए दो बंदे जो है कट्टा पकड़े हैं, और ये देखिए ये कचरा जो है जहाँ दिखा उठा लिया, अब बोरे में डालते गए, मोटा मोटा खाली उठा लेंगे। ये देखिए उठा लिया कचरा, रख लिया बोरे में। अब ये हाईवे पे आ गए हैं, अब फैक्ट्री की तरफ जो है जा रहे हैं, क्योंकि एक घंटा होने वाला है। अगर पूरी एक घंटे की वीडियो दिखाते तो काफ़ी जो है लंबी हो जाती, तो इसीलिए छोटी छोटी मोटा मोटा दिखा दिया है, ताकि जो है इंसान की समझ में आ जाए कि हाँ, अगर कचरा नहीं उठा सकता है तो आसपास में खाली गंदगी कम करें, बस इतना ही काफ़ी है। बीमारी को जो नए नए की तरह तरह की जो बीमारियां आ रही हैं, ज़्यादातर खास करके जो बुखार, वायरल बुखार, ये इतने ख़राब होते हैं कि बड़े से बड़े आदमी को जो है, हट्टे कट्टे आदमी को जो है कमज़ोर कर देते हैं, जिस तरह से जैसे टाइफाइड हो गया या और भी तरह तरह के बुखार हैं।
अगर हमने गंदगी पे ध्यान दे लिया कि अगर हम गंदगी कम करते हैं तो आप यकीन माने कि ज़रूर बीमारियां कम हो जाएंगी। तो हम लोग फैक्ट्री की तरफ से अब हम लोग आ गए हैं, ये हमारी यहाँ पे साइकिलें खड़ी होती हैं और देखिए एक चौकीदार भी वहाँ पे साइकिल देखने के लिए खड़ा था, ये कंपनी की तरफ से है। कंपनी की तरफ से चौकीदार जो है देखे रहता है साइकिल की किसी लेबर की चोरी ना हो। अभी देखिए यहीं पे जगह खाली थी, यहीं पे कट्टे बहुत सारे रख दिए जो कूड़ा हम लोग भर के लाए थे, कचड़ा लाए थे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपनी फैक्ट्री, क्योंकि एक घंटा हो चुका है और काफ़ी देर भी हो गई है, तो अब एक घंटा काफ़ी है सफाई करने के लिए। तो अब पूरा दिन तो नहीं कर सकते, अब ये है कि अब हम लोग को ध्यान रखना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम गंदगी फैलाए और कम से कम कचड़ा फैलाएँ।